थर्ड पार्ट देखो इसका, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर लगाते हैं, देखो 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0, ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x इक्वल 2y प्लस का 7, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस 2y को उस तरफ ले आओ, 9x माइनस का 2y इसको इसकी तरह बनाना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माइनस का 7 इक्वल में 0, ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इन दोनों को मैं उस तरफ लेके आ गया, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का इक्वल में 0, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो ये भी 9x हो गया और ये भी 9x हो गया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से देखो, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखो, तो सेकंड इक्वेशन लिख लो, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल में 0, ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल में 0। क्या करेंगे इसको, इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करने से नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस का तो 15 है, माइनस का 2 है, तो कितना बचा 13y, प्लस का जो बड़ा है उसका साइन आता है, प्लस का तो 12 है और ये 7 है, तो कितना बचा प्लस का 5 बचा इक्वल में 0। ठीक है, y देखो 13y इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ये उस तरफ गया तो माइनस का 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 अपॉन में 13, माइनस का 5 अपॉन में 13। इसको किस में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, y इक्वल माइनस का 5 अपॉन 13 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में पुट करो, देखो किसकी जगह, y की जगह, तो ये हो जाएगा 9x एज इट इज माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपॉन में 13 माइनस का 7 इक्वल में 0। देखो y की जगह मैंने ये पुट किया, माइनस का 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस का ये माइनस प्लस का 10 अपॉन में 13, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 10 हो गया, माइनस का 7 इक्वल में 0। इस 7 को देखो उस तरफ ट्रांसफर कर दो, 9x इक्वल 7 प्लस का, और इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो, माइनस का 10 अपॉन में 13। इसका लेंगे अपन एलसीएम, तो देखो एलसीएम लेते हैं इसका, ये 13 और 1 का एलसीएम 13, तो ये तो देखो 9x एज इट इज इक्वल ये हो जाएगा 13, एलसीएम लिया तो 1 की टेबल में 13 कितने टाइम, 13 टाइम, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू 7 माइनस का 13 की टेबल में 13 कितने टाइम, 1 टाइम, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, ये हो जाएगा 9x इक्वल 1 और ये हो जाएगा 10 और ये 13, सब्ट्रैक्शन कर दो, 9x इक्वल ये हो जाएगा 81 अपॉन में 13, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो,
नाइन एक्स मल्टीप्लाई 13 इंटू में 81, ये हो जाएगा 7x इक्वल 81। आगे देखो, ये x इक्वल 81 अपॉन 117, 9 से कट हो रहा है ये 9 टाइम और ये 13 टाइम, ये आ गई x की वैल्यू। और y की वैल्यू ये रही, y इक्वल में कितना है, माइनस का 5 अपॉन में 13। ये क्या हमारा आंसर है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो पहले, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x इक्वल 2y प्लस का 7, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2y प्लस का 7 अपॉन में 9, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, 9 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू किस में, ये रहा। तो देखो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2y प्लस का 7 अपॉन में 9। इस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2y प्लस का 7 अपॉन में 9। आगे क्या है, माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0। देखो 3 से ये 9 कट हो रहा है क्या, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इधर क्या बचा, 2y प्लस का 7 अपॉन में 3 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में 0। ठीक है, इधर 3 बचा और इधर 1 बचा, तो ये ऊपर 2y प्लस का 7, इनका देखो एलसीएम ले ले, तो 3 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, जितने भी टाइम आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो 2y प्लस का 7। ठीक है, 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 15y माइनस 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 इक्वल में 0। अब देखो ये क्या है, 2y प्लस का है और 15y माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 13y, ये 12 और 7 कितने हो जाएंगे, माइनस का 5 अपॉन में 3 इक्वल में 0। 15 में से 2 सब्ट्रैक्शन किया माइनस का 13, 12 में से 7 सब्ट्रैक्शन किया माइनस का 5। अब क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करो, माइनस का 13y माइनस का 5 इक्वल में 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब आगे देखो, माइनस का 13y इक्वल में 5, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, प्लस का हो गया, तो y इक्वल में हो गया 5 अपॉन 13 माइनस का, ये माइनस चाहे आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। अब इस x की वैल्यू, y की वैल्यू को, अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो y इक्वल माइनस का 5 अपॉन 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, देखो ये रहा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपॉन में 13 प्लस का 7 और ये पूरे के अपॉन में 9 है, देख लो ये पूरे के अपॉन में 9 है, तो x इक्वल माइनस का 10 अपॉन में 13 प्लस का 7 अपॉन में 9, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 10 प्लस का 91 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू देखो माइनस का ये हो जाएगा 81 अपॉन में 13 इंटू में 9, x इक्वल ये हो जाएगा 9 अपॉन में 13, ये x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 अपॉन में 13। ये किस मेथड से है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है।
ठीक है। और पिछले वाले में भी यही आंसर आया था एक्स और वाई का, तो दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें अपन। इसको 6 से अपन मल्टीप्लाई कर लें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2y अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल -1 into में 6, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गया 3 टाइम, ये कट गया 2 टाइम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, 3x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4y। देखो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y इक्वल में -6। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। देखो थोड़ी सी इजी टाइप से बन गई ना, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको करो आप 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो एक्स माइनस का वाई अपॉन 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई 3 माइनस का वाई अपॉन 3 इंटू में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3x, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 से ये 3 कट गया माइनस का वाई इक्वल में हो गया 3, 3 जा 9। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखो, 3x और 3x। ठीक है, अब करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो, बाय एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास, 3x प्लस का 4y इक्वल माइनस का 6, और ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल में 9। ठीक है, इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन कर दो। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये कितने हो गए 5y, और ये कितने हो गए माइनस का 15, दोनों ऐड कर दिया। तो y इक्वल माइनस का 15 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई -3। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। तो देखो, y इक्वल माइनस का 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ देखो इस y की जगह। तो ये तो हो जाएगा 3x एज इट इज प्लस का 4 इंटू माइनस का 3। देखो, y की जगह पुट कर दिया मैंने -3 इक्वल -6। ये हो जाएगा 3x माइनस का 12 इक्वल -6, 4, 3 जा 12, वो भी माइनस का। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल -6 प्लस का 12। इसको उस तरफ ट्रांसफर किया तो प्लस का, तो 3x इक्वल 6, 12 में से 6 गए तो प्लस का 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू -3। नेक्स्ट देखो, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, इससे या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, और वो वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 3x इक्वल हो जाएगा -6 -4y, इस 4y को मैंने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस का हो गया। अब देखो, x इक्वल में क्या हो जाएगा, -6 -4y अपॉन में 3, ये 3 कहाँ चला गया, अपॉन में। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर
थर्ड, अब इस थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से देखो इस एक्स की जगह मैं पुट करूँगा, तो देखो थ्री मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, माइनस का सिक्स माइनस का फोर वाई अपॉन में थ्री माइनस का वाई इक्वल में नाइन, थ्री से ये थ्री क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा माइनस का सिक्स माइनस का फोर वाई माइनस का वाई इक्वल में नाइन, ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिक्स माइनस का फाइव वाई इक्वल में नाइन, ये देखो इस सिक्स को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, माइनस का फाइव वाई इक्वल नाइन प्लस में सिक्स, तो माइनस का फाइव वाई इक्वल फिफ्टीन, ठीक है दोनों को ऐड कर दिया तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन माइनस का फाइव, तो वाई की वैल्यू माइनस का थ्री, ठीक है पिछले में भी तो ये थी माइनस का थ्री, इस माइनस के थ्री को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो देखो y इक्वल माइनस का थ्री पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा मैं किसकी जगह y की जगह, तो x की वैल्यू देखो क्या है माइनस का सिक्स फोर इंटू माइनस का थ्री अपॉन में थ्री, y की जगह देखो माइनस का थ्री, सॉल्व करो माइनस का सिक्स प्लस का ट्वेल्व अपॉन में थ्री, ये प्लस का कैसे हुआ देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, तो क्या माइनस का सिक्स है और प्लस का ट्वेल्व है, तो यहाँ पे सिक्स बचेगा अपॉन में थ्री, थ्री को सिक्स से डिवाइड किया तो टू, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास टू और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का थ्री, और ये क्या इसका आंसर है, ठीक है।